इटावा पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से चोरी की गई एक इको कार, 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इटावा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस टीम व थाना सिपाही पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक मोटरसाइकिल करीब 3.5 लाख रुपये की है। इस तरह से कुल 11 महंगी मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये बरामद बताई जा रही है। वाहन चोर गिरोह के सदस्य ज्योमेट्री कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करते थे और घरों में डिलीवरी करते समय रेकी किया करते थे। मौका देखकर गाड़ियों की चोरी करते थे, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ग्राहकों को बेच देते थे। महंगी मोटरसाइकिल 3.5 लाख रुपये की मोटरसाइकिल 20 से 30 हज़ार में ग्राहक को बेच देते थे। अन्य राज्यों से महंगी गाड़ियों को चोरी करके उन्हें सस्ते दामों में बेचकर ये लाभ कमाते थे। पुलिस ने इस संबंध में पूरा खुलासा किया है। देखिए, 3 लोग पकड़े गए हैं इसमें, विवेक, पंकज और अमन, ये 3 लोग पकड़े गए हैं और तीनों हमारे जनपद इटावा के रहने वाले हैं। एक बखीवर का है और 2 शहर इटावा के रहने वाले हैं और तीनों वहाँ इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि इनके पास से 12 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जो बहुत ही महंगी वाली मोटरसाइकिल होती हैं वो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। RTR आपके अपाचे हैं, इसमें स्मार्ट वाली व्हीकल्स हैं, इसमें कुछ ऐसी व्हीकल्स हैं जो 3.5 लाख की एक मोटरसाइकिल पड़ती है वो वाली है। इको एक गाड़ी है वो भी बरामद हुई है, 4 पहिया। तो 11 मोटरसाइकिलें और एक इको गाड़ी बरामद हुई है। बेसिकली ये जोमेटो में, जो इसमें अमन नाम का लड़का है जोमेटो में और दीपक नाम का एक लड़का है जिसकी दोस्ती है वहाँ पर जोमेटो गुड़गावा में, और उस दोस्ती के दौरान संज्ञान में आता है कि ये दीपक कुछ चोरी करता है और तब दोनों मिल करके गाड़ियाँ उठाते हैं और यहाँ UP में ला करके विभिन्न स्थानों पर इसको औने पौने दाम पर बेचते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं। इस प्रकार से लगभग 30 लाख की ये गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 12 गाड़ियाँ, और गुड़गांव में भी इनके खिलाफ अभियोग दर्ज है और गुड़गांव में 5 गाड़ियाँ जो हुई हैं वो अब तक कनेक्ट हो चुकी हैं। एक हमारे जसवंत नगर जनपद इटावा की है तथा 4 गाड़ियाँ जो इको 4 पहिया गाड़ी भी है और 3 मोटरसाइकिलें हैं, 4 गाड़ियाँ गुड़गांव से मुकदमा लिखा हुआ है उस पर कनेक्ट हो चुकी हैं, बाकी 1 गाड़ी जसवंत नगर मुकदमा लिखा हुआ है और सभी 2023 के अपराध हैं इसमें। यस, ये बिल्कुल सही है कि ये जो पूछताछ सामने आया है कि ये लोग जोमेटो कंपनी में जो है काम करते हुए फूड सप्लाई का काम घर घर जाके करते थे और वहाँ पर गाड़ियाँ चिन्हित करते थे कौन सी गाड़ी पिक करने का, चूँकि इतना इनको आइडिया हो गया था कि कौन सी गाड़ी पर कितने लोग कितने देर बाद आएंगे, तो उस गाड़ियों को ये पिक करते थे, स्पॉट करते थे और गाड़ियाँ UP में ला करके हमारे इटावा में विभिन्न स्थानों पर कम से कम मैं समझता हूँ कि कुछ गाड़ियाँ उन्होंने 30,000 की बेची है, 2.5 लाख की गाड़ी उन्होंने 20,000 में बेची है। तो इस तरह से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और व्यक्तिगत लाभ करके, इसमें ये भी बात उल्लेखनीय बात है कि नंबर प्लेट चेंज कर दी है जिसकी वजह से 420 468 थाना सैफई जनपद इटावा में अभियोग दर्ज करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।